अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज का आपका पहला लेक्चर है, आपका ये चैप्टर है आईटी का तारुफ। नीचे आपको ये यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करके जो है लिंक को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो अपडेट्स मिलते रहें। आज के जो नुकात हैं या मकासद जो हैं अभी पढ़ने के, वो है डेटा। डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन, फिर उसकी मिसालें, डेटा और इंफॉर्मेशन की इकसाम और फिर उसकी मिसालें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको जो भी वास्ता पड़ता है डेटा से, इंफॉर्मेशन से, उन तमाम मसालों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बात आसानी से पहुँचाऊँ, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो चलें शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डाटा। डाटा क्या चीज़ है? आप जानते हुए भी या ना जानते हुए भी डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी दोस्त से, जो नया दोस्त है आपका, मसलन क्लास वाले आपका, वो आपका दोस्त बन गया है और आप उसको पहली दफ़ा मिलते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है। वो जो उसने नाम आपको बताया वो क्या है, उसका एक डाटा आपके सामने आ गया है। उसके बाद आप पूछते हैं तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुमने मैट्रिक में कितने नंबर लिए या फर्स्ट ईयर में कितने नंबर लिए। ये तमाम किस्म की जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करते जा रहे हैं, ये आप उसका डाटा इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो इस तरह और भी कोई काफ़ी सारा जो है वो डाटा हो सकता है। जैसे अगर आप उसको तालिबे इल्म का नाम हो गया, पता हो गया, क्लास हो गई, रोल नंबर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। पहला जो काम आप करते हैं, हर एक के पास मोबाइल है, तो उसका फ़ोन नंबर जो है वो आप अपने मोबाइल में सेव करते हैं। तो ये जो फ़ोन नंबर है वो भी उसका एक डाटा है। तो जानते हुए भी ना जानते हुए भी आप डाटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उम्मीद है अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। चलें आगे चलते हैं। तो डाटा क्या होता है? डाटा गैर मुनज़्ज़म हकायक होते हैं, जिनको किसी मकासद के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल होती है। मीनिंगफुल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि मीनिंगफुल का मतलब है कि आप उसको किसी ना किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो मकसद होता है उसमें आपने कोई एक फ़ैसला लेना होता है किसी भी चीज़ के बारे में। मसलन अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर आपको पता है, तो आप उसका रिज़ल्ट, जैसे आपने मैट्रिक में जब आपका रिज़ल्ट आया, तो आप अपना रोल नंबर इंटरनेट के ऊपर या गज़ट के ऊपर जो छपा हुआ ये बुक शॉप पे आ जाता है, वहाँ पे जाके आप बताते हैं, या इंटरनेट पे सर्च बॉक्स में डालते हैं बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, और आपको उसका पूरे का पूरा रिज़ल्ट कार्ड जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो वो चीज़ स्टूडेंट्स जो है वो पास है या फेल है, वो सारा आपको पता चल जाता है। तो ये जो आपको जो इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, वो पास है या फेल है, किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में फेल है, ये सारी आपको इंफॉर्मेशन हासिल हुई है। तो डाटा जो है ना सिर्फ किसी स्टूडेंट के बारे में, बल्कि किसी चीज़, शख्स, जगह या वाक्या के बारे में हो सकता है। चलिए मज़ीद इसकी एग्जांपल जो हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। डाटा की जो मज़ीद मसालें हो सकती हैं, जैसा कि आपके हाथ में कलम है, कलम उसका साइज़ क्या है, उसकी कीमत क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उस जो लिखता है उसके अंदर इंक जो है वो कौन सी है, उसके लिखाई का रंग क्या है, ये सारा उसके बारे में डाटा है। उसके अलावा क्या हो सकती है एग्जांपल, जैसे कॉलेज है, कॉलेज का रकबा कितना है, कॉलेज का नाम क्या है, आपके घर से उसका फासला क्या है, और उसमें कौन से डिग्री प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा कोई वाक्या भी हो सकता है। वाक्या क्या हो सकता है? कोई हादसा हुआ है, कोई इस
जगह पे हुआ है, उसमें कितनी अमवात हुई हैं, ज़ख्मियों की तादाद कितनी है, कितने मर्द जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, कितने मर्द जो है वो हॉस्पिटल में हैं, कौन जो है वो जानबर हो सका है या कौन जो है वो मौत के मुंह में चला गया है। ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन या डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, ये जो न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे होते हैं उस जगह पे जाके वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, उसको इकट्ठा करके फिर वो न्यूज़ चैनल के ऊपर आपको शो करते हैं, जिससे आपको फिर इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि फलां जगह पे क्या वाक़या हुआ। इसके अलावा भी मसलन कोई और भी वाक़या हो सकता है, मसलन इवेंट जिसको आप कह लें इंग्लिश में, मसलन कोई एक्टिविटी आप करते हैं, या जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते होते हैं, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि आप कोई एक टीम जो है पहले खेलती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो दोस्त है, कोई एक दोस्त जो तमाम रन्स को जो भी बैट्समैन जो है उसका नाम लिख के आगे रन्स जो है वो लिखता जाता है, और एंड पे जब पूरी टीम या ओवर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या है, एंड पे एक टोटल आपके पास आ जाता है। तो ये सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप अपनी जो दूसरी टीम होती है उसने उस टारगेट को अचीव करना होता है। ये होगी डाटा की मिसालें। फिर आ जाती है इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि डाटा को जब प्रोसेस करते हैं तो वो जो चीज़ आपको हासिल होती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। उसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है, जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसे आप गुजर चुके हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, कि कोई भी टीचर आपका किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद आपके पेपर को चेक करता है, पेपर्स करने चेक करने के बाद फिर आपको नंबर्स जो है वो अलाट किया जाते हैं। इन नंबर्स को जब वो अलाट टीचर जो है वो कर लेता है तो वो पूरा उसकी पूरी उसकी पड़ताल करता है और उसको पता चलता है कि कितने तलबा फेल हैं और कितने पास हैं, और उनमें अव्वल कौन है, दोयम कौन है, सोयम कौन है, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन से, और वो उन स्टूडेंट्स के बारे में फैसला कर सकता है, स्पेशली जो फेल हुए हैं, कि उनके साथ आप क्या बर्ताव करना है, कैसे उनको बेहतर करना है। इस तरह से इंफॉर्मेशन का फ़ायदा होता है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम बेहतरीन फैसले ले सकते हैं। ये सारी मालूमात जो है उस्ताद साहब को पहले पता नहीं थी। ये एक्टिविटी, ये प्रोसेसिंग या एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी हुई यानी आपका टेस्ट हुआ, फिर आपको जो है वो आपके जो नंबर्स हैं जो है वो दिए गए, आपको प्रोसेसिंग का अमल क्या हो गया, इसमें पेपर चेक करने का प्रोसेस जो हो गया पेपर चेक करने का, फिर बाद में आपको जो है नंबर जो टोटल आपके आए उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो देखा गया कि आपने पासिंग मार्क्स लिए हैं या उससे बिलो लिए हैं। तो इस तरह से उस्ताद को पता चल गया कि कितने स्टूडेंट पास या फेल हैं, और वो फिर बेहतर फैसला ले सकता है फेल स्टूडेंट के लिए कि उनको बेहतर कैसे करना है। इसी तरह जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मसला आपको दरपेश होता है, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप अपनी फलां चीज़ की रिपोर्ट करवाएं, तो फिर आप अपना जो ब्लड है या यूरिन है या कोई भी जो है वो आपके जिस्म से उन्होंने कोई चीज़ सैंपल के तौर पे लेनी है वो ली जाती है, और फिर उसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। वो मशीनरी होती है, मशीनरी जो है वो जब उसकी रिपोर्ट आती है उसको प्रिंट किया जाता है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, उसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको क्या बीमारी है और आपको कौन सी दवाई तजवीज़ करनी है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इंफॉर्मेशन की मज़ीद मसालें क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहले वही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तलबा की मार्कशीट यानी आपकी मार्कशीट, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में देखा अगर, या मैट्रिक में देखा, या छोटी क्लासेज में देखते हैं, वो आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है या मार्कशीट होती है हर क्लास में, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी आपके पेपर्स होते हैं, तो उनमें तमाम में आपके जो है वो कौन कौन से मजामीन हैं जिसमें आप पास या फेल हैं, टोटल नंबर आपके कितने हैं और कितनी परसेंटेज है, कितने फ़ीसद आपके नंबर हैं और आपकी पोजीशन क्या है। दूसरी रिपोर्ट जिसका अभी मैंने जिक्र किया है डिटेल में, खून की रिपोर्ट हो सकती है। उनमें खून की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें क्या है, खून की सेल्स की तादाद क्या है, खून की किस्म क्या है, ए पॉजिटिव है, बी है या नेगेटिव है, या ओ ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव, ये खून की किस्में हो सकती हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जिस बीमारी के लिए आपको उन्होंने टेस्ट की रिपोर्ट करवाने के लिए कहा है
उसमें हर एक की एक रेंज वैल्यूज़ जो है वो दी होती हैं, जिसको जिससे कम या ज़्यादा होने के ऊपर आपको डॉक्टर को पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी लाहक है, और फिर वो आपको उसके मुताबिक दवाई तजवीज़ करता है। उसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकती है, उसके अलावा एग्जाम्पल हो सकती है टेम्परेचर, जिसको हम दर्जा हरारत कहते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का डाटा इकट्ठा करें किसी जगह का, अपने एरिया का हो सकता है या किसी भी दुनिया के हिस्से का, इस 10 साल के डाटा को अगर हम मुनज़्ज़म अंदाज से एनालाइज करें किसी भी शक्ल में, उसका ग्राफ बना लें, जैसे आप मैट्रिक में जो है वो मैथ के सब्जेक्ट में करते रहे हैं, तो उसका ग्राफ क्या बनता है, डाउन बनता है या अप बनता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये दर्जा हरारत बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उससे फिर आप जो है वो मज़ीद आपका जो मौसम के हवाले से डिपार्टमेंट होता है वो मुख्तलिफ फैसले करता है या आपको वार्निंग जारी करता है। नेक्स्ट आ जाता है आज का टॉपिक, डाटा और इंफॉर्मेशन की इकसाम। डाटा और इंफॉर्मेशन की इकसाम में क्या आ जाता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक डाटा क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक का डाटा होता है किसी भी ज़ुबान के जो हरूफ तहज्जी हैं, अमूमन आप जो वो ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें जो है मेन जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश के हरूफ तहज्जी क्या है, स्मॉल या कैपिटल में ए से लेके जेड तक हो गया, तो ये आ जाता है इसमें अल्फ़ाबेटिक। अगर आपकी ज़ुबान उर्दू में है, उर्दू का कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं, तो उसमें अलीफ से ये तक आ जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई और लैंग्वेज कर रहा है, कोई चाइनीज़ जापनीज़ जो, वो उनकी ज़ुबान के हवाले से कीबोर्ड मुख्तलिफ होते हैं, वो उनकी ज़ुबान के हरूफ तहज्जी आ जाएंगे। फिर आ जाता है नुमेरिक डाटा। नुमेरिक डाटा जो ये सारे इंटरनेशनल नंबर हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक आपके कैलकुलेटर के ऊपर भी ये सारे नंबर्स होते हैं और आपके मोबाइल्स के ऊपर भी, जिनसे आप मुख्तलिफ नंबर्स कम्बिनेशन जो है वो डायल करते हैं और मुख्तलिफ नंबर्स कम्बिनेशन बना के मुख्तलिफ फिगर जो है वो आप लिखते हैं। मसलन आगे लिख एग्जाम्पल है 500 है, 12,516 है, या इससे भी बड़ी फिगर कम या ज़्यादा आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है, जिसको आप अल्फ़ा नुमेरिक भी कह सकते हैं, टेक्स्ट में नंबर्स हरूफ तहज्जी या स्पेशल अलामत होती हैं, जैसे डॉलर है, यूरो है, पाउंड साइन है, और भी कीबोर्ड से पर्सन साइन है, ये तमाम जो अलामत हैं इनको हम स्पेशल अलामत कहते हैं। जैसे 30 किलोमीटर, 30 क्या है, डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं, और के किलोमीटर के एक यूनिट है, तो किलोमीटर जब हम लिखते हैं के एम, तो के एम किसका हिस्सा है, अल्फ़ाबेटिक का। तो इसमें दोनों कम्बिनेशन है, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 क्या है, डिजिट है यानी नंबर्स हैं, नुमेरिक डाटा है, और सीएम क्या है, एक यूनिट है काउंटिंग की, और उसमें जो है वो सेंटीमीटर्स हमने लिखना हो तो सीएम लिखते हैं, सी भी अल्फ़ाबेट्स और एम भी अल्फ़ाबेट्स। इस तरह डॉलर एक स्पेशल, हमने लिखना है $500, तो डॉलर का जो हम साइन हम लगाते हैं वो एक स्पेशल सिंबल है। अगर किसी तरह अगर हमने लिखना हो फ़ीसद या परसेंटेज लिखनी हो, जो फ़ीसद का निशान होता है उसका निशान भी क्या है, एक स्पेशल सिंबल के तौर पे आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तस्वीरी डाटा, जिसको हम कहते हैं पिक्चर डाटा। जैसे आप सबके पास जो है मोबाइल है, तो मुख्तलिफ तस्वीर आप सेल्फीज लेते हैं या कोई ग्रुप फोटो लेते हैं या कोई भी चीज़ आप, ये किस शक्ल में आती है, एक स्टिल पिक्चर जिसको आप कहते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल साकन होती है, खड़ी पिक्चर होती है, वो मूव नहीं कर रही होती, वो किसी चीज़ की हो सकती है, वो किसी शख्स की हो सकती है, वो जगह की होती है जिस जगह आप गए हुए हैं, या किसी मुकाम की हो सकती है। तो ऐसा डाटा जो तस्वीरी डाटा जो साकन हालत में होता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। कंप्यूटर्स में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे JPG है, PNG है, ये बहुत सारे आप जाके आप जो है वो इससे वास्ता पड़ेगा जब आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे वास्ता आपको पड़ेगा जब आप मोबाइल में अपनी पिक्चर जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आप उसकी जो है वो फाइल्स की मुख्तलिफ फॉर्मेट्स देखेंगे। फिर आ जाता है वीडियो डाटा। वीडियो डाटा क्या चीज़ है, ये एक होता है गैर साकन फाइल। गैर साकन फाइल है कि जब आप उसको चलाते हैं तो उसमें आपको मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। वो वीडियो आप मोबाइल से आपने बनाई है किसी जगह की, किसी वाक्य की, आप देखते हैं मुख्तलिफ
जगह पे कोई वाकया है तो उसकी वो वीडियो लोग जो है बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये अगर किसी जगह हादसा हो जाए तो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग जो है वो वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारी वीडियोज़ जो है एट द स्पॉट जो है वो मोबाइल हर एक के पास है तो वो बना के वो उसको अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा भी क्या कोई ड्रामा हो सकता है, बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अपना ड्रामा एपिसोड जो है वो जब उसी दिन अगर आपने मिस आउट कर दिया कोई भी ड्रामा का एपिसोड तो वो सोशल मीडिया जो है ये यूट्यूब के ऊपर उसको अपलोड कर देते हैं। ड्रामा की शक्ल में भी वीडियो हो सकती है, कोई फिल्म हो सकती है, कोई नई फिल्म आई है या उसका कोई क्या कह लें पायरेटेड वर्जन आ गया है तो फिर आपको जो है वो इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दी जाती है, या आप बाज़ार से कोई पुरानी फिल्म जो है वो खरीद लेते हैं फिर आ जाता है, या आपने खुद फिल्म क्रिएट की है, नात किसी ने बोली है बाज़ार से आपने खरीदी है सीडी पे, या आपने कोई प्रोग्राम करवाया उसमें आपने वीडियो बनाई हुई है, मुख्तलिफ तरह की आपको नात या कार्टून वगैरह भी आप वीडियो की शक्ल में मिल जाएंगे आप। तो ऐसी फाइल जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं। फिर आ जाता है ऑडियो, ऑडियो जिसमें सिर्फ आवाज़ आपको आ रही होती है, वीडियो नज़र नहीं आ रही, ना कोई लिखा हुआ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। जैसे आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके आप सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें ऑडियो नात भी हो सकती है, ऑडियो गज़ल भी हो सकती है, और बहुत सारे वो प्रोग्राम जो रेडियो के ऊपर चल रहे होते हैं वो सारे किस किस्म के हैं, ऑडियो। इसमें जो जो हर दिल अजीज़ आपका जो ऐप है एक जिसको आप व्हाट्सएप कहते हैं या उसके मिलती जुलती जितनी भी ऐप्स हैं, अगर आपने किसी को जो है वो मैसेज जो है वो किसी के लिए लीव करना हो, वहाँ पे छोड़ना हो, तो आप उसके माइक के ऊपर क्लिक करते हैं और अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवा के उसको सेंड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका वॉइस मैसेज जब वो आपका दोस्त सुनता है तो वो जो है वो ऑनलाइन होता है तो उसको सुन लेता है और आपको रिप्लाई कर देता है। तो ये भी ऑडियो की एक एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है मल्टी मीडिया, मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा, मीडिया जो है वो मीडियम से निकला है यानी मीडिया भी जमा है। तो ऐसा डाटा जिसके अंदर आपको वो तमाम मीडियम मिल रहे हों, जिसमें ऑडियो भी आ रहे, वीडियो भी आ रहे, टेक्स्ट डाटा भी आ रहे, ये सारे क्या हैं, मल्टी मीडिया कहलाते हैं। इसकी सबसे जो बड़ी एग्जाम्पल है वो है टीवी, कंप्यूटर भी हो सकता है, जिसमें आप कंप्यूटर अगर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आजकल मुख्तलिफ चैनल्स ने अपने जो लाइव जो है वो टेलीकास्ट जो है वो या ब्रॉडकास्ट जो है वो किया होता है प्रोग्राम को। अगर आपने प्रोग्राम नहीं भी देखा तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके लाइव या उसको रिकॉर्डेड हालत में देख सकते हैं। तो वो भी ऐसे ही है कि जैसे आप टीवी पे देख रहे हो, तो आप जैसे टीवी पे खबरनामा सुनते हैं तो उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और साथ में आपको नीचे चलता हुआ या साइडों पे चलता हुआ टेक्स्ट भी नज़र आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इधर ख़त्म होता है। तो इसके बारे में कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप उसका जो है वो नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इसके, मैं आपको चैनल का लिंक जो है वो प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब का, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो के कमेंट्स में जो है वो लिख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका किसी भी टॉपिक के बारे में इस लेक्चर के हवाले से, तो वो उसका जवाब जो है मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।